अब से 10 दिन पहले आपके भाई ने iPhone 12 परचेस किया था, जो कि आपके भाई की एक ड्रीम पूरी हो चुकी थी आईफोन को लेकर। गैस यहाँ पर मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दो, कि मैं आईफोन से भी बड़ा कुछ खरीदने वाला हूँ, जो कि आज मैं रिवील करने वाला हूँ। मैंने बोला था कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो चलिए अब उस सरप्राइज को भी रिवील करने का टाइम आ चुका है। तो फाइनली गैस आज तुम्हारे भाई ने पैसा तो उठा लिया है जितना लेना था, जो कि तुम्हारे भाई को जो खरीदना है वो खरीदने जा रहा है। आज तुम्हारे भाई की हर पॉकेट में पैसा मिलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर मेरी हर पॉकेट में पैसा है, इसी तरह जौन सी पॉकेट में मैं हाथ डालूंगा उसी में से ही पैसा पैसा निकलेगा। मतलब कहने का यह है कि आज तुम्हारा भाई कुछ बड़ा करने जा रहा है, और जो तुम्हारे से प्रॉमिस कर रहा था वो खरीदने जा रहा है। ये पैसा मैं अभी ज़्यादा नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना ही दिखा रहा हूँ। और अगर मैं और पॉकेट में हाथ डाल लूंगा तो वहाँ से भी पैसा काफ़ी निकल जाएगा। तो इसलिए मैं अब आपको डायरेक्टली वो दिखाने जा रहा हूँ जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, और आपके लिए ये सरप्राइज था। चलिए आज रिवील कर देते हैं। फाइनली अब टाइम आ चुका है सरप्राइज रिवील करने का। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज था, और सरप्राइज क्या था, चलिए अब रिवील कर देते हैं। हाँ जी गाइज, ये है एक सरप्राइज। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सरप्राइज, कमेंट बॉक्स में बताना। फाइनली यहाँ पर मैंने आज बाइक का डिलीवरी ले लिया है गाइज, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, तो फाइनली आज ये ड्रीम भी पूरा हो गया है। यहाँ पर मैं हूँ और साथ में मेरे पापा है, डिलीवरी लेते टाइम। फाइनली गाइज ये था सरप्राइज जो कि मैं आपको देने वाला था। मैंने अब से 10 दिन पहले आईफोन परचेस किया था, तो आप लोगों से मैंने बोला था कि एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। तो फाइनली आज सरप्राइज आपके सामने है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ पर लेकर आया हूँ। भाई देखो, घर वगैरह में सब जगह दिखा कर आ गया हूँ, और मिठाई वगैरह जो बांटनी थी बांट चुकी। अब आपकी जो डिमांड होगी आप कमेंट बॉक्स में कर देना। आप लोगों के लिए खुला सरप्राइज है ये। पहले आईफोन लिया बिकॉज आईफोन की मुझे काफ़ी कमी महसूस हो रही थी वीडियो क्वालिटी वगैरह में। इसके अलावा DSLR कैमरा भी ले गए बहुत जल्द, और इसकी भी काफ़ी कमी महसूस हो रही बिकॉज कहीं पर मैं जाता था तो मेरे को बाइक वगैरह एक तो चलानी नहीं आती थी, दूसरी बात मेरे पास बाइक थी भी नहीं, तो कहीं पर आता जाता था काफ़ी प्रॉब्लम होती थी बाइक को लेकर। तो फाइनली अपनी प्रॉब्लम को सोल्व किया। आपके भाई ने राइडर 125 लिया है, जो कि 125 सीसी में काफ़ी हद तक ये जो बाइक है काफ़ी कंफर्टेबल है, चला के अच्छा भी लगा, और पब्लिक का जो मैंने रिएक्शन देखा है काफ़ी अच्छा है रिएक्शन भी, और बाकी आप भी देख सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलूँगा, बिकॉज आज ये जो सब आप देख पा रहे हो ये सब पॉसिबल हो पाया है आपके प्यार सपोर्ट से, आपकी वजह से मैं हूँ। देखिए सबसे पहले मैं शुक्रिया बोलूँगा अपने खुदा को, बिकॉज उसने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। अगर वो मेहनत का फल नहीं देता आज मैं आगे नहीं बढ़ पाता। सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा बिकॉज उसको मुझे बड़ा बनाने में, मतलब मुझे सक्सेस कराने में एंड ये सब परचेस कराने में सबसे बड़ा हाथ उसी का ही है। उसने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा को शुक्रिया बोलूँगा, ऐसे ही आप लोगों भी मैं शुक्रिया बोलता हूँ, बिकॉज आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी प्यार दिखाया, काफ़ी सपोर्ट किया। और देखिए गाइज मेरी थोड़ी सी मेहनत है,
बाकी ऊपर वाले ने उसका मुझे फल दिया और आप लोग भी मुझे काफ़ी प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो। ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाते रहना, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बहुत आगे जाएंगे। और ये तो कुछ भी नहीं यार, क्या है ये बाइक, इससे भी बड़ी बाइक खरीदेंगे और कार वगैरह सब खरीदेंगे और एक अच्छा घर भी होगा। बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना।